गोरखपुर पुलिस द्वारा बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसे जाने के बाद बदमाशों ने भी किसी को चूना लगाने या लूटने का तरीका अब बदल दिया है। आज उचकों ने एक व्यक्ति के ऊपर गंदा केमिकल फेंक कर उसका 60,000 रुपये उड़ा दिया। दरअसल ITC कंपनी का सेल्समैन पवन कुमार कई दुकानों से कलेक्शन कर लौट रहा था। जो ही वह कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक पर पहुंचा तो किसी ने उसके ऊपर गंदा केमिकल फेंक दिया। इसी बीच मोटरसाइकिल से आए दो युवकों ने पवन पर केमिकल फेंके जाने की बात कही। जो ही पवन गाड़ी रोककर केमिकल देखने के लिए झुका, मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उसका बैग उड़ा दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना का पूरा विवरण देते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा। जो पीड़ित ने बताया कि उसके ऊपर कुछ केमिकल या इस तरह की गंदगी डाल दी थी, जिससे कि ऐसा आभास हुआ कि वो उल्टी जैसी कोई चीज है। और ये बता रहे थे कि जब मैं साफ करने के लिए उसको उतरा हूँ तो वहाँ पे जो मेरा बैग था वो लोग लेके चले गए। बाइक के ऊपर थे, ये बता रहे हैं कि दो से तीन लोग थे। और ये बता रहे थे कि मैं सुबह पैसा लेके निकला था और कलेक्शन किया था मैंने, और गाड़ी के ऊपर भी गंदगी थी, कपड़े के ऊपर भी गंदगी थी, ऐसे में महसूस हुई है। और इस दौरान ही घटना हुई है और इसके अंदर कैंप थाने का जो कोतवाली थाना क्षेत्र है उसके अंदर अभियोग पंजीकृत कराया था। और बाकी चीज़ें इसके अंदर जो भी है, जहाँ जहाँ इनका मूवमेंट होता था वहाँ पर कौन कौन लोग इनके साथ रहे और CCTV फुटेज इसके अंदर, और अगर ये कुछ इसके अंदर और देख पाए तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए।